हेलो फ्रेंड, मैं ऋतु तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ टेक ऋतु की न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कम्युनिटी टैब के बारे में। आज हम कम्युनिटी टैब से रिलेटेड इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी और मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कम्युनिटी टैब को लेकर। तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी यूजफुल और बेनिफिट वीडियो है मैं आपके लिए लाती रहूंगी। और दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट और है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है ऋतु1090 के नाम से, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करते हो, तो कमेंट में मैं सारा रीड ना कर पाऊँ तो मुझे डायरेक्टली वहाँ मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत कर सकूँ। तो होता क्या है कि जैसे कि जब 1000 इंसान के सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी एक्साइटेड होने लगते हैं कि उन्हें कम्युनिटी टैब कब मिलेगा। ये सभी के साथ होता है, खासकर जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं। जब मैं न्यू क्रिएटर्स थी, यूट्यूब पे मैं आई थी, जब मैंने ऋतु ब्लॉग वाला चैनल अपना बनाया था, तो मुझे भी लगता था कि 1000 सब्सक्राइबर कब पूरे होंगे, कब मुझे कम्युनिटी टैब मिल जाएगा। पहले क्या था, यूट्यूब का एक रूल था कि जब आपके 10000 सब्सक्राइबर होंगे तब आपको कम्युनिटी टैब मिलता था। लेकिन यूट्यूब ने फिर उसके वजह से कम कर दिया, कम करके 10000 से सीधे 1000 कर दिया कि जब आपके 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो आपको कम्युनिटी टैब मिल जाएगा। अच्छा, कम्युनिटी टैब के लिए लोग परेशान क्यों होते हैं? कम्युनिटी टैब में ये होता है कि आप अपने कोई वीडियो अपना फोटो के साथ उसका लिंक डाल दिया तो आपको व्यूज़ अच्छे मिल जाते हैं, लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि कम्युनिटी टैब सबको दिखता है, ठीक है। तो उससे कई बेनिफिट होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तो जब मेरे साथ हुआ था कि जब ऋतु ब्लॉग वाले में मेरा वीडियो वायरल हुआ था, तो मेरे 1000 जब सब्सक्राइबर पूरे हुए थे तो मुझे जब कम्युनिटी टैब नहीं मिला तो मैं भी काफ़ी प्रॉब्लम में आ गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी आखिर क्यों नहीं मिल रहा। तो मैंने भी जो बड़े यूट्यूबर थे उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनसे पूछा कि आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से कम्युनिटी टैब अभी तक नहीं मिला। तो सिंपल सी बात है कि कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है कि कम्युनिटी टैब आपको नहीं मिल रहा है। कल एक लेडी, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ऋतु, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए 3-4 दिन पहले और मुझे भी कम्युनिटी टैब नहीं मिला है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कम्युनिटी टैब है उसका मोनेटाइजेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये मैं सोची कि आपका अगर आपको कम्युनिटी टैब नहीं मिलेगा तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोनेटाइजेशन तो तब आपका ऑन होगा जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होगा। लेकिन कम्युनिटी टैब आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्ट्राइक क्लेम से कोई वो नहीं है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। होता है क्या है कि जैसे YouTube पे आप देखोगे बहुत सारे चैनल, लाखों में चैनल होंगे, और रेगुलर आप देखते होगे तो बहुत सारे ऐसे चैनल होंगे जो एक दिन में, मतलब कई दिनों में 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेते हो। तो ये सब YouTube के पास जाता है, YouTube पे जो एम्प्लॉय हैं वो मिनिमम ही है, उनके पास बहुत सारा काम होता है, क्योंकि बहुत से चैनल मोनेटाइजेशन के लिए फंसे पड़े रहते हैं। उनकी एक एक वीडियो को रिव्यू करके उनको देखना पड़ता है, स्ट्राइक क्लेम सब कुछ उनको देखना पड़ता है कि किसी का कॉन्टेंट तो नहीं है, उसके बाद तब मोनेटाइज ऑन होता है। हमको इजी लगता है, हमें क्या लगता है कि अरे यार यूट्यूब के पास मैंने अपना चैनल कब से, मेरे इतने 1000 सब्सक्राइबर हो गए, मुझे वॉच टाइम नहीं मिला, कब मैंने अपना चैनल अंडर रिव्यू में गया था, वो मोनेटाइज नहीं हो रहा। लेकिन हमारे तरह वो भी जो एम्प्लॉय है वो भी एक इंसान है, उन्हें भी दिन भर काम करना पड़ता है। या हम लोग एक दिन वीडियो बनाते हैं ना तो उसको एडिट करना, थंबनेल लगाने से लेके, हमें ये होता है कि मेरे सर में दर्द हो रही, कभी आँखों में दर्द होने लगती है, तो वो भी एम्प्लॉयज़, उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको बस क्या करना है, आपको हफ्ते से 10 दिन 12 दिन वेट करना है, आपको कम्युनिटी टैब मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो बहुत सारे हेटर्स भी होते हैं जो आपको जल्दी जल्दी अनसब्सक्राइब भी कर देते हो। तो मान लो कि आपका 1000 पहुंचता है, अचानक से 10-20 कम हो जाते हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरे इसी चैनल को आप ले लेते हो, टेक ऋतु वाला, इसमें क्या हुआ था कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए तो मुझे कम्युनिटी टैब नहीं मिला, लेकिन मैं टेंशन में नहीं आई। क्यों? क्योंकि मुझे पता था उसके बारे में कि कम्युनिटी टैब क्यों नहीं मिला मुझे, क्योंकि अभी वो नया नया चैनल है और वहाँ गया है तो कुछ दिन तो चेक होने में लगेंगे। तो फाइनली जब मेरे उसमें 2000 सब्सक्राइबर हो गए, क्योंकि वीडियो वायरल हुई थी, तो मेरी 2000 सब्सक्राइबर पूरे कर तब मुझे कम्युनिटी टैब मिला। तो अब ये मत सोचना कि आपको भी 2000 सब्सक्राइबर पूरे करने तब भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस 10-12 दिन 15 दिन वेट कर लीजिए, मिल जाएगा। अगर जब तब नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज करना, तो मैं आगे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगी। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और नए क्रिएटर्स बिल्कुल मत घबराना, सब चीज़ मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस हर चीज़ के लिए रखना पड़ता है आपको। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और फिर मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अगर आपको किसी चीज़ में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी। अगर और प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी। फिर मिलती हूँ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।